चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सरकारी नौकरियों में अब प्रदेश के ही छात्रों को मौका मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश की सरकारी नौकरियों में अब प्रदेश के ही छात्रों को मौका मिलेगा। दसवीं या बारहवीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण होने वाले ही प्रदेश में सेवा के लिए पात्र होंगे। इसके लिए सरकार ऐसे कानूनी प्रावधान करेगी जिससे प्रदेश के नौजवानों के हित सुरक्षित हों। मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। इससे पहले साल 2009 में शिवराज ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों का लाभ सिर्फ प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। इस घोषणा पर अमल नहीं हो पाया। दरअसल मामले की शुरुआत 1998 में दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल में हुई थी। उन्होंने प्रदेश से दसवीं और बारहवीं उत्तीर्ण करने वाले या निरंतर 5 साल की शिक्षा प्रदेश में हासिल करने वालों को ही सरकारी नौकरियों में पात्र मानने की नीति लागू की थी। इस फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और कोर्ट ने इसे समानता के अधिकार के खिलाफ माना था। उधर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम 15 साल से मांग करते आ रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को मौका दिया जाए, लेकिन शिवराज सरकार ने हमारी मांगों को ठुकराते हुए नियम बदल दिए, जिससे दूसरे प्रदेशों के युवाओं को भर्ती होने का मौका मिल गया। मुझे शिवराज की घोषणा पर भरोसा नहीं है, सरकार इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करे। मंत्रियों के साथ बैठक में तय किया गया कि अब मुख्यमंत्री और मंत्री कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों को ध्यान में रखते हुए शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए 25 अगस्त तक रोडमैप के लिए खाका तैयार कर दें। 1 सितंबर से मंत्रियों के हाथ से खाद्यान्न वितरण अभियान के कार्यक्रम किए जाएं। इनमें उन सभी 36,86,000 व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की राशन दुकान से खाद्यान्न दिलाया जाएगा, जिन्हें पात्र होने के बाद भी राशन नहीं मिल पा रहा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।